दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं मेघराज गुजर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भविष्य में किसी भी प्रकार का स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपकमिंग स्मार्टफोन्स रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड करते हैं ताकि अगर आप इन स्मार्टफोन्स में से अपने लिए एक यूजफुल स्मार्टफोन्स आप ले सकें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्टफोन फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है तो आप इसका रिव्यू कैसे देंगे। तो दोस्तों, हम जो स्मार्टफोन्स फिलहाल लॉन्च नहीं हुए हैं उनके सबके रिव्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन के बेस पर देते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं उन स्मार्टफोन्स के बारे में, फिर उनके सभी डिटेल्स लेते हैं, उनकी प्राइस, लॉन्चिंग डेट, फीचर सब कुछ लेने के बाद आपको बताते हैं। उसी सीरीज का दोस्तों आज एक पार्ट है या फिर आप इसे एक ट्यूटोरियल कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो रेनो 3 प्रो की। दोस्तों, मैंने ओप्पो का रेनो के बहुत से स्मार्टफोन्स के, ओप्पो रेनो एसी के बारे में, बहुत से स्मार्टफोन्स के बारे में बताया है। अगर आपने मेरे अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियोज नहीं देखी हो तो आप उनको जरूर देखें। आज मैं आपके लिए ले आया हूं ओप्पो रेनो 3 प्रो। तो ओप्पो रेनो 3 प्रो का आज हम आपको फुल रिव्यूज देंगे। इसके अलावा कुछ समय में मैं आपके लिए ओप्पो रेनो 3 का भी रिव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए ओप्पो रेनो 3 प्रो का रिव्यू ले रहा हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो की। इससे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसके डिस्प्ले की और उसके अलावा अदर फीचर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। आप सभी जानते होंगे डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है। मैं सबसे पहले किसी भी स्मार्टफोन्स की वीडियोस डालने से पहले आपको डिस्प्ले के बारे में ज्यादा बताता हूं, क्योंकि डिस्प्ले में आपको बता देता हूं कि सबसे हेम एंड एक मेन पार्ट होता है डिस्प्ले। सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की मिल रही है, जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की पिक्सल डेंसिटी की, तो पिक्सल डेंसिटी इसके अंदर आपको 405 PPI पर बेस्ड है, जो नॉर्मल यूज से काफी हद तक बढ़िया है। अगर बात करी जाए इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले तो नहीं दोस्तों, लेकिन एमुलेट डिस्प्ले इसमें मिलेगी, जो नॉर्मल यूज के लिए बहुत बढ़िया है। अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन की कैमरा की, कैमरा आप सभी जानते होंगे किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है। कैमरे में दोस्तों डुअल कैमरा सपोर्ट अधिकतर हर एक स्मार्टफोन में पाया जाता है, एक सेल्फी कैमरा, एक बैकएंड कैमरा होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले बैक कैमरा की। बैक कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4 कैमरा सपोर्ट मिलता है, यानी 4 कैमरे का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 64 13 8 2 64 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। अब बात करी जाए इसके सेल्फी कैमरा की, सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमराज मिलता है, यानी 32 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर सेल्फी कैमराज मिलता है, जो नॉर्मल यूज से बहुत बढ़िया है। इसके जरिए आप बढ़िया बढ़िया सेल्फीज ले पाएंगे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। अदर फीचर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बैटरी को। आप सभी जानते होंगे बैटरी किसी भी स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होता है। अगर मोबाइल की बैटरी लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाए, बैटरी एक नॉर्मल यूज के हिसाब से काफी हद तक स्लो चले, तो वो मोबाइल किस काम का। तो सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो बैटरी इस स्मार्टफोन में आपको 4020 mAh की मिल रही है, जो नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है। अगर ये 5000 mAh की बैटरी मिलती तो काफी हद तक बढ़िया होती, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए बैटरी आपको मिल रही है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग की। चार्जिंग आपको दोस्तों इसमें VOOC चार्जिंग 4.0 पर बेस्ड है, जो काफी हद तक बढ़िया है, और इसके अंदर आपको सी पोर्ट फैसिलिटीज भी मिलती है, जो और भी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की हम परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के बिहार पर हम बताएंगे कि ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा है। तो चलिए परफॉर्मेंस पर चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं परफॉर्मेंस में 2 हिस्से सबसे मेन होते हैं, रैम एंड इंटरनल स्टोरेज। इसके बाद में आता है इसके अदर फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए दोस्तों, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको 8 GB की रैम मिलती है और 164 GB की रोम मिलती है, यानी इंटरनल स्टोरेज आपको इसके अंदर 164 GB का मिलता है। जो दोस्तों रैम आपको इसके अंदर 8 GB की मिलती है और 164 GB नहीं दोस्तों 128 GB का आपको इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज मिलता है। दोस्तों तो 8 GB 128 GB काफी हद तक बढ़िया होती है नॉर्मल यूज के लिए, और इसमें आप अप टू 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो और भी बढ़िया है। परफॉर्मेंस के बिहार पर ये स्मार्टफोन काफी हद तक बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करी जाए दोस्तों, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको ओक्टा कोर का 2.4 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, जो नॉर्मल यूज से काफी बढ़िया है। इसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इसके अंदर आपको सिंगल कोर का 2.2 GHz का एक और प्रोसेसर लगाया गया
गया है और इसी के साथ आपको एक और सिंगल कोर का 1.8 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है जो काफी हद तक बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की, जिसमें हम ले लेते हैं इसके चिपसेट को। चिपसेट की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G यानी 765G प्रोसेसर लगाया गया है जो काफी हद तक नॉर्मल यूज के लिए बहुत बढ़िया है। इसी के साथ इसके अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स इसमें आपको एंड्रिनो का मिलेगा, क्योंकि क्वालकॉम लगाया गया है तो उसमें आपको एंड्रिनो का ग्राफिक्स मिलना जरूरी है। तो इसके अंदर आपको एंड्रिनो का 620 ग्राफिक्स मिल रहा है जो नॉर्मल यूज से बहुत बढ़िया है। अगर ये नॉर्मल यूज में 640 होता और इसका चिपसेट लगभग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस या 855 होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए ये भी थोड़ा बढ़िया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। प्राइस की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस 37,990 रखी गई है। 37,999 इसकी प्राइस रखी गई है जो नॉर्मल यूज से काफी महंगी तो नहीं है, नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया है। बताएं ये स्मार्टफोन कब तक मार्केट में आ जाएगा। तो स्मार्टफोन मार्केट में आने की संभावना दोस्तों 2020 की लग रही है कि जनवरी फरवरी 2020 तक मार्केट में आ सकता है। फिलहाल दिसंबर की संभावना थी लेकिन अब जनवरी की लग रही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये स्मार्टफोन कुछ समय में मार्केट में आ जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एक आसूस का ROG फोन 3 का रिव्यू दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया है आसूस का अगर आप गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो वो स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया और यूजफुल हो सकता है। अगर आप गेमिंग फोन नहीं लेकर कुछ अदर फोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज गेमिंग फोन में आसूस का आप फोन ले सकते हैं। रोज ROG फोन 2 ले सकते हैं या फोन 3 ले सकते हैं। 2 लॉन्च हो चुका है, आप उसे कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन 3 फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 2020 में लॉन्च होने की संभावना है, तो आप वो फोन से ले सकते हैं अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, इस प्राइस में आपको लगभग मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।